कहते हैं गुरु सत्यवादी। सत्यवादी माना क्या? तुम सत्य में रहो, गुरु तुम्हें सत्य रहना सिखाता है। सत्य ही सत्य है, सर्वत्र एक ही परमात्मा का अस्तित्व। सत्य ही सत्य है, सर्वत्र एक ही परमात्मा का अंश है, सब कहीं एक ही परमात्मा है, कहीं और दूर दूर तक कोई नहीं है। इसको जानो कि सब कहीं एक ही परमात्मा है। जो कुछ भी है, जो जिसका प्रारब्ध है, उसको उस हिसाब से परमात्मा चला रहा है, सब परमात्मा के माध्यम से चल रहा है। जो भी है सब परमात्मा की रजा में ही रजी रहो। दर्रे दर्रे में है झांकी भगवान की, और कहीं कुछ नहीं। जहाँ देखो दर्रे दर्रे में प्रभु ही प्रभु होते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जैसे रंग में रहते हैं वैसे ही, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे ही रंग में हम रंग जाते हैं। हम जैसे इंसानों के साथ रहते हैं वैसे ही हम भी बनने लगते हैं। जैसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। भाग्य वाले के साथ बैठते हैं, हमारा भी विश्वास चमक भाग्य चमकने लगता है। विश्वासी आदमी के पास बैठते हैं, हमारा भी विश्वास चमकने लगता है। उस आनंद का एक ही समुद्र है, वो एक ही है, वो है सद्गुरु। वन विदाउट सेकंड, बस एक ही है और कोई नहीं, बस एक ही है। वन हैंड वर्क होता है तो अच्छा होता है, जॉब वन हैंड होता है, जो काम वन हैंड से होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, अपेक्षाकृत दो हाथों से। अगर मशीन 10 हाथों में रहती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, एक हाथ में रहती है तो उसकी लाइफ बढ़ती है। ऐसे ही पहले हम 10 सोचों की सोच से चलते थे, फला क्या कर रहा फला क्या करा। जब 10 आदमी की सोच से चलते हैं तो हम, अब जो एक पार्ट सीख लिया है, उस सच्चिदानंद को पकड़ लिया है, अब उस सच्चिदानंद में हम अपना मन टिकाएं, उसी के भरोसे उसी के सहारे हम चलें, इधर उधर हम ना भटकें। जब तुमको ऐसा करने लगोगे तो लगेगा कोई और नहीं है। एक गुरु की कर ले संग, नहीं लगेगी तुम्हारी समाधि भंग। जब एक गुरु के साथ रहोगे तो तुम कभी भटकाव को नहीं प्राप्त होगे, भटकोगे नहीं। गुरु कहते हैं कि पहला सुख तो होता है, सबसे पहला सुख है हमारा जी, हमारी पहला सुख निरोगी काया। प्रभु कहते हैं पहला सुख तो निरोगी काया है, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी हो, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी हो, पांचवा सुख स्वदेश में वास हो, छठवा सुख राज अपने पास हो, सातवां सुख संतोष का जीवन हो, सुकून का जीवन हो। ऐसा हो तो जीवन धन्य होता है। कहते हैं गुरु कहते हैं कि जीवन की कुछ सच्ची बातें होती हैं। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कहते हैं अपने कर्मों की गठरी बांध कर जीवन इंसान जीवन में फिरता है, लेकिन जैसा उसका प्रारब्ध होता है, जैसा करता है वैसा उसको फल भोगना ही भोगना पड़ता है। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। कहते जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन बनेगा, तेरे हाथ में है तू क्या करता है और क्या नहीं करता है। बारी का इंतजार करो करना, क्योंकि कहते लेकिन जो भी कर्म करते हो अपनी बारी का इंतजार करो, कि जैसा तुमने किया है अच्छा खराब वैसा फल वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। ये गड्ढा हम तुम्हारे लिए खोदते हैं, उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन में सोच सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी